आगरा में अरुण वाल्मीकि की मौत का मामला है। आगरा में पुलिस हिरासत में मौत होने का आरोप, अरुण के ससुराल जनों ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाया। भरतपुर के अटलबंद इलाके में अरुण का ससुराल है, कहा घर से जबरदस्ती उठा करके ले गई थी यूपी पुलिस। पीड़ित अनिल ने अपने शरीर पर चोट के घाव भी दिखाए हैं, निशान दिखाए। थाने में ले जाकर के टॉर्चर किया गया। अनिल ने कहा अरुण वाल्मीकि के ससुर हैं अनिल, यूपी पुलिस ने हमारे साथ की जमकर मारपीट, ये भी उन्होंने कहा, जबकि मामले से नहीं कोई भी लेना देना। जगदीशपुरा थाने में डंडों से मारपीट की गई। इधर अटलबंद थाने का HM अमित चंद लाइन हाजिर। प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार से बातचीत की, मुख्यमंत्री गहलोत से भी पीड़ित परिवार मिला, मंत्री सुभाष गर्ग की मौजूदगी में CM से मुलाकात की। खबर ये भी मिल रही है कि हो सकता है महेश जोशी के साथ में भी मुलाकात इनकी हो, जानकारी ये भी है। बहरहाल अभी खबर ये है कि सुभाष गर्ग के साथ में मुलाकात इनकी हुई, बड़ी खबर है। अरुण के ससुराल जनों ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आगरा में पुलिस हिरासत में मौत का ये पूरा मामला है। अब ससुराली जनों से बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा ने, वो सर आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश का अरुण वाल्मीकि हत्याकांड की गूंज पूरे देश में इस वक्त गूंज रही है। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन भी किया उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, और पीड़ित परिवार से मुलाकात को लेकर भी खासा हंगामा बरपा। राजस्थान में भी उनके रिश्तेदार हैं, राजस्थान के भरतपुर में अरुण वाल्मीकि का ससुराल है, हमारे साथ उनके रिश्तेदार इस वक्त मौजूद हैं। और ये वो परिजन हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की है, अपनी डिमांड्स को रखा है। इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान की गहलोत सरकार से बात की है। आप उनके क्या लगते हैं अरुण वाल्मीकि के? जी मैं उनका साला लगता हूँ, अरुण वाल्मीकि का साला लगता हूँ। और ये हमें सर नाइट में शनिवार को उठा के ले गए थे उनकी पूछताछ के लिए, तो हमसे सर पूछा गया था वो आए या नहीं आए, हमने सिर्फ मना किया था सर नहीं आए, फिर भी हमको वहाँ से लेके गए। हम अब इसी 5 जने को लेके गए थे, वो भरतपुर से आगरा लेके गए थे। फिर हमें दूसरे दिन मारा पीटी की गई उनसे सबके साथ, पूछा हमसे कि भाई वो कहाँ है, वो कहाँ सर, हम तो उनको ज़्यादा साल 2 साल में वो आते हैं तो उतना उनसे हमारा वो नहीं रहता जी कि वो कहाँ रुकते हैं कहाँ बैठते हैं, हमारा तो उतना नहीं पता। फिर भी वो हमको मारते हैं और पूछते कहाँ जा सकता है कहाँ है, तो वो सर उसके बाद वो मिलने से पहले उनसे पैसे मांगे गए हमसे कि तुम पैसे दे दो, 4.5 लाख हम बड़ा हो चुके हैं, 15 लाख तुम दे दो, 20-25 समथिंग करके हम मामला ख़त्म कर देंगे, आप सबको छोड़ देंगे और एक आदमी बंद करेंगे बस आपका। ये चीज़ उनने बोला, हमने सर इस चीज़ के लिए बोला, पर सर हमने कॉन्टेक्ट कराया सर हमारे ये महेश वाल्मीकि जी हैं इनसे बोला, फिर इन्होंने हमारे दीपक भैया हैं इनसे बोला, तो सर ये उस टाइम तो सर कुछ नहीं, पर उनके डेथ के बाद सर समस्या बहुत होगी। तो आपके साथ भी मारपीट की? हाँ सर, मेरे साथ मारपीट की, हमारे और काफ़ी 4-5 भाई हैं उन सबके साथ मारपीट गई है। ज़बरदस्ती हमसे पैसे मांगे गए कि तुमको छोड़ देंगे पैसे दो, और हमारे जो सब घर वाले हैं उन किसी को नहीं आने दे रहे, मतलब जो भी आता है घर से या वहाँ से सबको पकड़ लिया जाता है। भाई जी आपको जब घटना पता लगी तो आपने सबसे पहले क्या किया? सर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सरपंच साहब इस तरीके का मैसेज हमारे साथ घटना हो गई है और हमें पुलिस यहाँ से उठा के ले गई है, ये सोनू जी हैं मेरे मित्र हैं, उनके इनके रिश्तेदार हैं ये। तो मैंने कहा मैंने कि अगर कोई छोटी मोटी घटना होती है तो अपन चलते हैं। फिर उसके बाद मैं खुद गया तो वहाँ पुलिस ने जगदीशपुरा थाने में मुझे भी बंद कर दिया होता। मैंने कहा भैया ये तो गलत बात है आपकी। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि साहब पैसे की व्यवस्था कर दो, वो ये कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे और नहीं तो हम आपको झूठे केस में फंसा देंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जब चोरी आपका कोई लेना देना ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है तो चोरी में कैसे फंसा सकते हैं। उसके बाद में परसों उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई हम पैसे तो हमारे पास नकद नहीं है, तो मैंने इन लोगों को कहा कि मैं चेक की व्यवस्था तो कर सकता हूँ भाई, इधर समाज से यूपी पुलिस ने आपको भी पकड़ लिया था? जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पैसे दो, इन्होंने कहा कि भाई पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कैश में पैसा नहीं है, इतने हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे की व्यवस्था ही नहीं है। तो मैंने कहा हम व्यवस्था कर लेंगे, चेक से व्यवस्था कर देते हैं। उन्होंने चेक के लिए मना कर दिया और साफ कहा कि आप हमें कैश पैसा दो अगर बचना है तो। उसके बाद में अरुण जी की हत्या कर दी गई और दूसरे सेल में कहीं ले जाके उनको मारा था पीटा था, उनकी बराबर हत्या कर दी। इनके साथ भी इतनी जघन्य अपराध किया है कि जानवरों के साथ भी नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आदरणीय भाई साहब आप देख सकते हैं आपका क्या नाम पूरा? ललित कृष्ण, ये ललित जी हैं, ये चल भी नहीं सकते, इनके गहरी चोटें इनके पूरे पैर पर लगी है, नील पड़े हुए आप देख सकते हैं किस तरह से इनको पूरा
कुमार है। दीपक डंडोरिया हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं राजस्थान में और दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जयपुर शहर युवा कांग्रेस NSUI से जुड़े रहे हैं। दीपक जी, आपने जब मुख्यमंत्री गहलोत से इन सबको मिलवाया तो क्या डिमांड रखी गई है, सरकार क्या मदद कर रही है? देखिए, राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से साथ है। जो अमानवीय कृत्य यूपी पुलिस ने, यूपी की सरकार ने एक नृशंस हत्याकांड करके, और जो रिश्तेदार थे जिनको ये भी नहीं पता कि चोरी कहाँ हुई है, कब हुई है, उनको जबरन अवैध हिरासत में रखा, अनैतिक काम किया, असंवैधानिक काम किया, उसके लिए CM साहब ने इनको पूरी मदद की घोषणा करी है। एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो ड्राफ्ट मेरे पास जल्द ही DPR के माध्यम से या CMO के माध्यम से आ जाएगा। फिर जो घोषणाएं होंगी, प्रियंका जी ने ऑलरेडी इनके लिए घोषणाएं कर दी हैं और भी अभी उस पर एक्सरसाइज चल रही है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हम जो पीड़ित हैं वो केस करेंगे वाल्मीकि समाज की तरफ से यूपी पुलिस पर, और सरकार हमारी तरफ से पैरवी करेगी, सरकार हमारी पूरी मदद करेगी, सरकारी वकील खड़ा करेंगे और हमारी तरफ से सरकार लड़ाई लड़ेगी। और जो सबसे मुख्य जो बात है कि आज भी असुरक्षा का भाव इनमें बना हुआ है, डर इनके अंदर बना हुआ है, तो सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया है कि अब किसी भी तरह से असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से कोई पुलिस यूपी से आकर इन निर्दोष लोगों को बेवजह ना टॉर्चर करे, ना उठाए, क्योंकि इनको मारा पीटा गया, इनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, ऊपर से इनसे पैसे मांगे गए, यूपी पुलिस द्वारा पैसों की डिमांड करी गई। तो आज के लोकतंत्र में, आज के इस आधुनिक काल में ये सब मुझे नहीं लगता कि वाल्मीकि समाज के अलावा किसी और के साथ होता है, और सभी लोग हमसे सिंपैथी रखते हैं। अब जो अरुण जी वहाँ खुलासा करने वाले थे कि किन लोगों ने वो चोरी की और कौन कौन अधिकारी या पुलिस के जो लोग थे वो उसमें इन्वॉल्व थे, उससे पहले ही उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। पूरे इस घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद संवेदनशीलता बरत रहे हैं और जल्दी वाल्मीकि परिवार को राजस्थान में न्याय की जो उम्मीद है वो पूरी होगी। और इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान की कांग्रेस ने कदम आगे बढ़ाया है, प्रियंका गांधी की पहल के बाद राजस्थान की पूरी कांग्रेस इस पर गंभीरता बरत रही है। कैमरा जर्नलिस्ट विजय करण के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।